राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायकों ने एक एक कर मंत्रियों से सवाल किए, जिनका मंत्रियों ने भी एक एक कर जवाब दिया। इस दौरान मंत्री अविनाश गहलोत ने दिव्यांगों से जुड़े सवाल पर बीजेपी विधायक कालूराम और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से कहा, मैं आपके घर आकर पूरा ब्यौरा और जानकारी दूंगा। इससे पहले दिव्यांग छात्रों को स्कूटी वितरण और स्कॉलरशिप से जुड़े सवाल पर शुक्रवार को विधानसभा में हंसी मजाक हुआ। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बीजेपी विधायक कालूराम से कहा कि आपके घर आकर पूरा ब्यौरा और जानकारी दूंगा। इस पर स्पीकर ने कहा, घर पर नहीं, यहीं दे दीजिए। स्पीकर ने चुटकी लेते हुए कहा, विधायक और मंत्री जी के बीच इतना प्रेम संबंध हो रहा है और क्या चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दिव्यांगों से जुड़े सवाल को जवाब के आंकड़ों में अंतर को लेकर मंत्री से सवाल पूछा। आइए आपको भी दिखाते हैं विधायक नेता प्रतिपक्ष और मंत्री के बीच की वार्ता। अगला प्रश्न श्री कालूराम, प्रश्न संख्या 31-20। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड एक, विशेष योग्यजनों द्वारा स्पेशली एबल्ड पर्सन एसएबी पोर्टल पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया है, उनमें से पात्र विशेष योग्यजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए हैं। इस अनुसार झालावाड़ जिले में जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र की कुल संख्या 25,981 है। विशेष योग्यजनों को नियमानुसार एवं पात्रता अनुसार पेंशन का लाभ मिल रहा है। राज्य एसएसपी पोर्टल पर दिनांक 30/7/2024 के अनुसार झालावाड़ जिले में विशेष योग्यजन पेंशनर्स कुल संख्या 25,946 है। प्रश्न का खंड दो, विशेष योग्यजन को नियमानुसार पात्रता के आधार पर गत वर्ष में निम्न सुविधाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। नंबर वन, विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, लाभान्वितों की संख्या 25,946। नंबर दो, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना, लाभान्वितों की संख्या 5। सुखद दाम्पत्य जीवन योजना, लाभान्वितों की संख्या 4। संयुक्त सहायता योजना, लाभान्वितों की संख्या 171। विशेष योग्यजन स्कूटी योजना, लाभान्वितों की संख्या 172। प्रश्न का खंड तीन, जिला झालावाड़ में विशेष योग्यजनों दिव्यांगजनों को 261 स्कूटी वितरित कर लाभान्वित किया गया है। प्रश्न का खंड चार, जी हाँ, 1 अप्रैल 2024 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत दिव्यांगजन सम्मान पेंशन योजना की आधार दर में 15% की वार्षिक वृद्धि कर अभिवृद्धित पेंशन राशि वर्तमान में ₹1,150 प्रतिमा एवं 75 वर्ष अधिक आयु वर्ग के दिव्यांगजनों को ₹1,250 प्रतिमा पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नंबर एक में पूछना चाहता हूँ कि आपने संख्या दी है 25,946 और उसमें से पेंशन मिल रही है 25,981 और पेंशन दे रहे हैं 25,946। काफ़ी दिव्यांग लोग ऐसे हैं जो उनको अभी तक पेंशन नहीं मिल रही है। क्या माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बाकी वंचित लोगों को आप पेंशन देने का विचार रखते हैं पोर्टल खोल के? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पोर्टल पर विभाग के पास में जो भी इन दिव्यांगों के पेंशन के लिए एप्लीकेशन आती है, उनको हम लोग एक कमेटी बनी, कमेटी के माध्यम से वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन बाद विभाग के पास आता है और उसके बाद में तुरंत ही हम लोग दिव्यांगों के पेंशन को भुगतान कर देते हैं। और सेंस लंबित हैं, लंबित में जाँच चल रही है, जाँच के बाद में इसकी नियमित प्रक्रिया रेगुलर प्रोसेस है, उसके बाद में ये जो सेंस है उसका भी भुगतान हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपको कि आपने मुख्यमंत्री योगजन स्वरोजगार योजना की में लाभान्वित संख्या मात्र 5 दी है, सुखद दाम्पत्य जीवन में मात्र संख्या 4 दी है, संयुक्त सहायता योजना में 171 दी है, विशेष योगजन स्कूटी में 172 दी है। काफ़ी लोग इससे वंचित हैं, क्या आप स्कूटी की संख्या बढ़ाना चाहते हैं या दाम्पत्य जीवन में 4 या 5 संख्या दे रही, इसको केंद्र सरकार या राज्य सरकार बढ़ाने का विचार रखती है? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कालूराम जी मेरे बड़े अजीज मित्र हैं और आपकी जानकारी के लिए निवेदन करता हूँ कि अभी 10 जुलाई 2024 को हमारे हाल ही के बजट में हमारी वित्त मंत्री जी ने युवा दिव्यांगों को संबल प्रदान करने के लिए 2,000 दिव्यांगजनों को स्कूटी प्रदान करने की घोषणा की है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पिछली सरकार के समय 2019-20 में किसी स्कूटी का वितरण नहीं हुआ, 20-21 में किसी स्कूटी का वितरण नहीं हुआ, उसके बाद के 3 सालों में 1985 पहली साल आवंटित हुई, उसके बाद में कुछ स्कूटी हुई, हमने पहले साल में, अभी हमारा पहला बजट है, 2,000 स्कूटी का वितरण करने का निर्णय लिया है।
आपके डग विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी 261 स्कूटी का वितरण हमने अभी कर दिया है। जैसे ही हमारे पास में आपकी सूची आएगी, नियमानुसार कार्रवाई करके आपके वहां जितने भी स्कूटी के आवेदन आएंगे उन सबको वितरण कर दिया। ये सूची उपलब्ध कराए माननीय मंत्री महोदय मुझे। कौन सी सूची? ये दिवाइयों वाली सूची नहीं, नाम आए मुझे सूची उपलब्ध कराए। मैं आप जो जानकारी मांगेंगे मैं आपके घर आके वो जानकारी उपलब्ध घर नहीं आ। इतना प्रेम संबंध हो रहा है विधायक और मंत्री जी के बीच में, और क्या चाहिए। माननीय मंत्री महोदय ने खंड दो में बताया है कि विशेष योगजन स्कूटी योजना में लाभान्वितों की संख्या है 172, और खंड तीन में आपने बताया है कि 261 स्कूटी वितरण की है। तो इन दोनों मंत्र क्या है ये एक बार बताएं। और खंड चार में आपने कहा है कि दिव्यांगजनों को जो हम पेंशन दे रहे हैं वो 1150 और 1250 है, लेकिन सरकार जो विशेष असहाय दिव्यांगजन है उनको 1000 रुपये अलग से भी देती है, उसका कहीं जिक्र नहीं है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 100% डिसेबल पर्सन होते हैं उनको 1000 रुपये की पेंशन अलग से मिलती है। आप तो माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय इस विभाग के मंत्री रहे हैं, सारी जानकारी आपके पास में है। जो 40% के करीब हैं अपने राज्य सरकार केंद्र सरकार की कैटेगरी बनी हुई, जिसमें 40% से ऊपर अगर डिसेबल होता है उसको राज्य सरकार की तरफ से, 80% से ऊपर होता है उसको सुविधाएं जो है अलग अलग कैटेगरी मिलती है। 1000 रुपये की जो मैंने बताया 100% डिसेबल पर्सन होते हैं उनको अलग से सहायता, जैसे 1250 प्लस 1000 2250 रुपये की जो पेंशन राशि है प्रतिमाह सरकार की तरफ से मिलती है। वो मैंने हाउस को बता दी, इसमें ऐसा मिला नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने वो सवाल पूछा ताकि हमारे पूरे सदन को अवगत हो जाए और 2250 रुपये प्रतिमाह उनको मिलता है। अगला प्रश्न गोपाल शर्मा। और तीन में जो अंतर है ना स्कूटी में वो नहीं बताया। माननीय नेता प्रतिपक्ष को आश्वस्त करता हूं कि मैं आपके घर आके भी इसकी सरकार बड़े लोगों के साथ में गरीबों के द्वार भी जाते। आप तो इतने बड़े कैबिनेट मंत्री के बराबर हैं, तो मैं सरकार की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि आपकी जो जो जानकारी चाहेंगे हम घर आपके आपको। अगला प्रश्न गोपाल शर्मा।